हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेशर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेशर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस तरीके से हम कोई भी हिंदी का सेंटेंस है, हाउ कैन वी ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश, आई विल टीच यू इन दिस वीडियो। लेट्स सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसकी पहचान कैसे पहचान करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस है कैसे पता चले ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आपने देखना है लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ए है, ई है, ये वर्ड किसी के लास्ट में आए तो आप बता सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आ है, ए है, ई है, वह दिल्ली से आया है, वह दिल्ली से अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आवाज़ आपको दिखाई दे, तो आप राधा गाना गा चुकी है, चुका है, चुके हैं, तो इस प्रकार की आवाज़ आए तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर इंग्लिश कैसे बनाएं, उसकी ट्रांसलेट कैसे करें इंग्लिश में उसको, तो अब मैंने पहला स्ट्रक्चर बताया है और ये आपने कब लागू करना है, यदि सेंटेंस सिंपल है तो ये आपने लागू करना है। जैसे सिंपल है तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, इसके बाद या तो हैज़ लेकर आओगे या हैव लेकर आओगे। हैज़ आपने तब लेकर आना है जब सिंगुलर की बात है, जब प्लूरल की बात है हैव लेकर आना है, और आई के साथ भी आपने हैव का यूज़ करना है, याद रखना है। इसके बाद मेन वर्ब लेकर आनी है जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मेन वर्ब लेके आओगे किस रूप में, लेकिन लेकर आनी आपको थर्ड फॉर्म के तौर पर लेकर आनी है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो इस तरीके से आपने यूज़ करना है। ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट, हैज हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, आई के साथ भी हैव। अब मैंने सेंटेंस लिखा, वह दिल्ली जा चुका है, तो वह को क्या बोलते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए, ही, ठीक है। अब ही के साथ में हैज या हैव में से क्योंकि हमने चुका है लास्ट में देखा है, तो क्या लेंगे, ही हैज, ठीक है। जाना होता है गो, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे गो की, गोन, ही हैज गोन। कहाँ जा चुका है, दिल्ली। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, टू का, ही हैज गोन टू दिल्ली। बड़ा ही आसान है, ही हैज गोन टू दिल्ली, हम सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पत्र लिख चुके हैं, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपको पता है, किस, वी, ठीक है। वी के साथ में हैज या हैव में से किसका यूज करेंगे, हैव, वी हैव। लिखना क्या होता है, राइट, यहाँ थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे रिटर्न, वी हैव रिटन, हम लिख चुके हैं क्या, वी हैव रिटन अ लेटर, वी हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है, मैं फिल्म देख चुका हूँ, मैं को क्या बोलेंगे, आई, आई के साथ में मैंने बताया था हैव लेकर आना है, आई हैव। और देखना क्या होता है, वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, वॉचड, आई हैव वॉचड, क्या देख चुका है भाई, मूवी, आई हैव वॉचड अ मूवी, ये होता है, ये फिल्म देख चुका हूँ तो दिस मूवी हो जाता, आई हैव वॉचड अ मूवी। अब इस तरीके से आप सारे सिंपल बना सकते हो। अब मैं नेगेटिव लेकर आया हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ, और इसमें जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सेम रहेगा। ऐसे ही सब्जेक्ट का यूज़ करना है, ऐसे ही हैज हैव का यूज़ करना है, लेकिन हैज हैव के बाद नेगेटिव में आपने एक वर्ड लेकर आना है नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। फिर ऐसे ही मेन वर्ब, फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट, यानी हैज हैव के बाद आपने क्या लेकर आना है, नोट लेकर आना है, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। वह बाजार से नहीं आई है, आ है, ए है, ई है, ये भी किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, नहीं आई है, वह यानी लड़की है, सी के साथ में हैज नोट, सी हैज नोट, आई आना कम, कम केम कम, सी हैज नोट कम, कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, येट, अभी तक, ठीक है, सी हैज नॉट कम फ्रॉम द मार्केट येट, अभी तक वो मार्केट से नहीं आई है। राधा ने खाना नहीं खाया है, राधा यानी फिर हैज, फिर इसके बाद नॉट, ठीक है, राधा हैज नॉट ईटन फूड भी लिख सकते हैं, टेकन फूड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईट, एट, ईटन, हैज नॉट ईटन
फूड। लता ने गाना नहीं गाया है, लता एक है, लता हैज नॉट गाना, सिंग ए सॉन्ग होता है, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। तो ये फार्मूला आपने अपनाना है, ये मैंने आपको सिंपल बताया है, ये मैंने आपको नेगेटिव बताया है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, एक वर्ड का आपने डिफरेंस करना है बस, हैज है ओके, बाद में किसका यूज करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका यूज करना है, नोट का, बाकी सेम रहेगा। सिंपल नेगेटिव की बात हम कर चुके, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव, और एक साथ में जो इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है उन सेंटेंसेस की बात करेंगे, लेट सी की बात करते हैं। और इंटरोगेटिव में ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है, यानी आपको ये तो पता है कोई भी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो कोई भी टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आते हैं। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है तो डू डज शुरू में लेके आते हैं, पास्ट इंडेफिनेट है तो डिड शुरू में लेके आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आते हैं। उसी प्रकार इसमें भी एज जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आएगी। एक की बात है, सिंगुलर की बात है तो हम हैज लेंगे, और प्लूरल की बात है तो हम हैव का यूज़ करेंगे, आई के साथ भी हैव का। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म है, इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेटिव, ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्या वह स्नान कर चुका है, इंटरोगेटिव है क्योंकि लास्ट पर्सन पूछा गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि चुका है इसमें आया है, तो इसको अब हम चेंज करेंगे, क्या वह स्नान कर चुका है, क्या इसका मतलब शुरू में हैज है हमने यूज करना है। अब बात ये है, हैज का यूज़ करें हैव का यूज़ करें, क्योंकि एक है तो हम शुरू में किसका यूज़ करेंगे, हैज कर, लड़का है हैज ही, ठीक है, हैज ही, क्योंकि हैज हैव के बाद हमने क्या लेना था, सब्जेक्ट, हैज ही स्नान करना, इसके बाद अब मेन वर्ब क्या है, स्नान करना होता है टेक बाथ, ठीक है, टेक के अब थर्ड फॉर्म लेंगे टेकन, हैज ही टेकन बाथ, हैज ही टेकन बाथ, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। अब ये है, क्या राम इंग्लिश बोल चुका है, राम है तो भी हम किसका यूज करेंगे, हैज राम, इंग्लिश बोलना स्पीक इंग्लिश होता है, हैज राम, स्पीक की थर्ड फॉर्म आपको पता है स्पीक स्पोक स्पोकन, हैज राम स्पोकन इंग्लिश, और आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, हैज राम स्पोकन इंग्लिश। क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे ज़्यादा है तो हम किसका यूज करेंगे, हैव दे, क्रिकेट खेलना प्ले क्रिकेट होता है, प्ले का क्या हो जाएगा भाई, प्लेड, हैव दे प्लेड क्रिकेट। और ये भी ध्यान रखना है, इससे पहले भी स्पोर्ट्स कोई भी है उससे पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लैंग्वेज से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। अब ये इंटरोगेटिव था, अब हम लेकर आए हैं इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों एक ही सेंटेंस में मिलेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, छोटा सा चेंज करना है। ऐसे ही हैज हैव रहेगा, ऐसे ही सब्जेक्ट इसके बाद, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लेकर आना है, फिर सेम मेन वर्ब, फिर सेम ऐसी ऑब्जेक्ट्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं आया है, आया है, आ है, ए है, ई है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये होना चाहिए। क्या अध्यापक, तो हैज टीचर, ठीक है, अब देखना भाई सब्जेक्ट के बाद नोट लेकर आना है, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज टीचर नोट, थर्ड फॉर्म आना कम, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं आया है, हैज टीचर नॉट कम, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, हैज नॉट, हैज टीचर नॉट कम इन द क्लास, क्या उसने ये फिल्म नहीं देखी है, उसने एक है, हैज ही नॉट, देखना वॉच की थर्ड फॉर्म, वॉचड, ठीक है, हैज ही नॉट नॉट वॉचड ये फिल्म दिस मूवी, हैज ही नॉट वॉचड दिस मूवी, हैज ही नॉट वॉचड दिस मूवी। क्या वे खेलने नहीं गए हैं, वे ज्यादा है तो हैव, दे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट लेकर आएंगे, हैव दे नॉट जाना, गो वेंट गॉन, नॉट गॉन कहाँ, टू प्ले, टू प्ले, क्या वे खेलने नहीं गए हैं, हैव दे नॉट गॉन टू प्ले।
तो ये इंटरोगेटिव था और ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों था। फर्क बस इतना है, डिफरेंस बस इतना है, यहाँ एज है वो सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किसका यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होगा, क्योंकि इसमें साथ में नेगेटिव भी है। तो इस तरीके से हम आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ए है, ई है, ये साउंड किसी की या वर्ड लास्ट में मिलते हैं तो आसानी से हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट अपना कंप्लीट कर, हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर है उसके लिए कोई चैनल सब्सक्राइब करता है तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है। और जब तक अगली वीडियो में अपलोड नहीं करता तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।